मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन का को भंग करवाना चाहते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ खुद वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन कोई संतुष्टजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान एक साल चलेगा, दो साल चलेगा, चार साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम रात को, कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है, आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया। इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड, अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर, हमारी टाइमलाइन तो एक एक घंटे की है, हम एक एक घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं, कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी, हम नौजवान बैठे हैं सब, हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है। यहाँ पे हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्म सम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी, अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है। उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे हैं, अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है, किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा। क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, एक्स वाई जेड किसी के साथ में भी, वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम
क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी।